तो हमें ये बताइए भाई कि जो भाई नए काम करते हैं, जिसको बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको माल कैसा लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जो नया करना चाहते हैं जी, पहले तो झिझकते हैं जी, हम फंस जाएंगे, कैसा माल मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। हाँ। वो तो अब एक नया दिन में फिर आपका स्वागत है, और आज जो होने वाली है वो 14 तारीख है। भाई मेरे पास बहुत सुबह सुबह फोन आया अभी कि हमारे कोई सब्सक्राइबर है और जो रोड लाइट लेने आए हैं, और वो स्टेशन में वो बताइए वो बहुत ही रात के आ गया था भाई, बहुत हमें टेंशन खुद हुई, क्योंकि मुझे अभी मालूम हुआ बहुत सुबह एकदम सुबह सूरज अभी सूरज भी नहीं निकला, अगर बात करी जाए तो एकदम बिल्कुल 5 अभी बजा हुआ होगा, 5:30 तो मेरा अभी गला भी बैठा हुआ है, क्योंकि रात के काफ़ी ज़्यादा जग गया था मैं। तो चलो भाई मैं तो उनसे मिलता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आए। भैया भाई हमारी 4 पहिया गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। भैया हमारा डीजे खड़ा हुआ है, एक सामान हमको देना था भाई, तो वो ले लेते हैं। जैसे देख रहा है मेरे माइक नहीं होगा तो काफ़ी सारी आवाज़ आ रही होगी बाहर की भी। तो अभी सुबह सुबह पहुंच चुके हैं, अब लमसम अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो 6 बजा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा ये फतेहपुर है जो ज़िला है, और अभी सब दुकानें बंद है आप देखिए। और हमारा जो है स्टेशन से एकदम पास ही में है, अभी आपको वीडियो में दिखाया तो मैं दिखा देता हूँ, ये स्टेशन है, स्टेशन के एकदम पास में है। तो जो भाई आए थे वो शायद उनको कुछ गलत फहमी हो गया था एड्रेस को लेके, कहीं और चले गए थे पहले, क्योंकि फतेहपुर 3 है, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। और कभी भी आप फतेहपुर स्टेशन से आएंगे तो बस कुछ ही दूर में 5 रुपये लगता है, ये चौराहा मिलेगा, जैसे आप चौराहा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चौराहा के आगे ही मेन रोड में हमारा एक गोदाम है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। तो इस समय हम आ चुके हैं अपने गोदाम में, वो देख रहे हैं कि यहाँ पास अभी कोई नहीं ना भाई, कोई नहीं ना, सिर्फ केवल हम ही आए, क्योंकि रीजन ऐसा होता है ना भाई कि जो दूर से आता है भाई ना, तो वो दर में मायने नहीं रखता, कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं कभी एक वक्त में जब सामान लेने जाता था, कभी मैं जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मार्केट में हम लोग 10 बजे तक इंतजार किया करते थे, तो मुझे कुछ ऐसी तकलीफ महसूस हुई थी, किसी मेरे साथ जब तकलीफ हुई थी तो मैंने कहा नहीं भाई, अगर कोई हमारे पास आया बंदा तो हमको उसको इतनी जल्दी पहुंचे ताकि उसको एहसास हो कि भाई हाँ अगर हमने फोन किया तो आए। तो फिलहाल अभी हमने भेजा है, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत जगह चले गए थे, तो अभी बाइक से हमने भेज दिया है, तो रिसीव करने गए हैं, और देखते हैं भाई कहाँ के हैं और कैसा है भाई, क्या काम था, शायद भाई डीजे का भी हो सकता है और सामान ले सकते हैं, या तो फिर रोड लाइट खेलेंगे। चलिए भाई, मगर आप भी कभी अगर आ रहे हैं तो हमको एक दिन पहले फोन कर देना चाहिए, भाई ने थोड़ी सी गलती करी, एक दिन पहले फोन कर देते तो हम रात के रिसीव कर ले। और ये भाई स्वयं डीजे के नाम से चलाते हैं, इनका नाम जो है वो संतोष नाम है, और इनकी क्या ऐसी स्टोरी मैं बता देता हूँ कि भाई गए थे बालाजी दर्शन करने के लिए, बालाजी गए थे तो इन्होंने सोचा कि हम लाओ अमर जी के पास चलते हैं, तो कानपुर उतर गए आप, और कानपुर से फिर ये हमारे पास आए फतेह। और क्या बजे रात के आए थे आप यहाँ? 2 बजे रात के आए थे भाई, कितनी दिक्कत वाली बात है, 2 बजे रात के आए, अगर रात के बताते तो मगर हम रात के भी मेहनत करते, मगर मैं आपको बताऊंगा अगर रात भी आ रहे हैं तो रात की मत आओ, थोड़ा सुबह आइए, या हमको पहले फ़ोन कर दी, कोई भी डीजे वाला होता है मुझे पता है वो डरता नहीं ना, वैसे भी रात की ज़िंदगी उसकी होती है, मैं भी डीजे वाला हूँ, रात की ज़िंदगी होती है भाई, सुबह घर नसीब होता है, 2 बजे 12 बजे 3 बजे ही हमको नसीब होता है, डीजे वाले का काम क्या है कि भैया रात के शाम के निकलते हैं, पूरी रात हम लोग घूमते हैं, तो हिम्मत ही होते हैं भाई। फिलहाल मैं भी नहाया नहीं ना, मेरी हालत देख रहा, भाई भी नहीं नहाए, और सबसे अच्छी बात है मैं लकी बताता हूँ, भाई बहुत लकी है मेरे हिसाब से, कि जो हमने छतरी इस समय नया मॉडल तैयार हुआ है, और वो छतरी जो है वो बहुत स्टैंडर्ड बनाई गई है, जैसे तीली निकल के भाग जाती हैं, और थोड़ा सा कमजोरी थी तो हमने कुछ स्पेशल छाते बनाए थे, 250 पीस बनाए थे स्पेशल कुछ बैंड वालों को देने के लिए, और भाई आ गए तो फिर इनके नसीब में लिखा था, तो भाई ने कहा मैं 2 छतरी ला चुका हूँ पहले, आप 2 ला चुके हैं, एक आपने लोकल में ली थी, एक भाई ने लोकल में ली थी,
एक जबलपुर आप गए थे लेने, एक जबलपुर गए थे लेने वो लाइट वाली, और ठीक है ली, मगर अब उनको क्वालिटी उनको समझ में नहीं आई, तो उसके बाद फिर ये हमारे पास लेने आए, तो इन्होंने क्वालिटी देखते समझ गए कि हाँ भैया हमको यही चाहिए, तो ये दूसरे का माल था, तो फिर हमने कहा चलो दे दो, क्योंकि समझ में आ जाता है बातों से कि सामने वाला कैसा है। तो हमें ये बताइए भाई, जो भाई नए काम करते हैं, जिसको बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको माल कैसा लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जो नया करना चाहते हैं जी, पहले तो झिझकते हैं जी, हम फंस जाएंगे, कैसा माल मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। हाँ। वो तो अब हिम्मत बांध के ले लेते हैं जी, जब एक भी ले लेते हैं माल, फिर दूसरे बार बुद्धि खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है कि बात मैं बढ़िया माल लूंगा। अच्छा, कुछ दिन तक चले चले हाँ। जब मैंने शुरू में डीजे लिया था 120,000 में लाया था, आज डीजे मेरे पास 3 लाख का है, 3-4 लाख का सतह है। तो जो बहुत बड़ी बात कही है ये कि जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, वो थोड़ा सा जैसे मेरे पास फोन किया भैया कितने का, मैंने बताया, अगले ने कहा भी आ जाओ मैं सस्ता दे रहा हूँ, भैया सस्ता नहीं बनाता कोई, घर की मशीन नहीं ना कि मट्टी खोदी आपको 2 फड़वा ज्यादा दे दिया, भाई ये चीज पैसे से बनती है भाई। इसमें हमने चोटी मालूम भाई को कितनी दिया है, 240 पीस मैंने चोटी दी है, 240 पीस लटकन दी है। अगर बात करी जाए ये लटकन होती है दोस्तों, ये देखिए ये लटकन 240 पीस हमने दी है, अब सोचो कितनी लटकन होती है, कितना स्टैंडर्ड सामान दिया है, ये 240 पीस ली है, 240 पीस सब में छल्ले लगे हैं, ये देखिए सिलाई छह यहाँ से मजबूताई एकदम हाई क्वालिटी, तीली फाड़ के नहीं निकल सकती, जाल की पूरी 2 साल गारंटी है, ये सब चीज़ है। फिलहाल भाई का सम्माल तैयार हो रहा है, तो चलिए भाई अपने हिसाब से गिन के आप भरा लीजिए, जा रहे हैं क्योंकि वो भाई का थोड़ा सा सामान है, वो कह रहे हैं कि हमारा लदवा दो, ट्रांसपोर्ट में नहीं करेंगे, बस में बैठा देते हैं, क्योंकि इतनी दूर जो कोई आया उसको कोई परेशानी न होना चाहिए।